आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेटेड है दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी हर एक इंसान का सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और उसी आर्टिकल के अंडर में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी गारंटीड है, यानी जितना एक इंसान का सम्मान के साथ जीने का अधिकार है उतना ही उसका अधिकार है सम्मान के साथ मरने का। तब ये प्रोविजन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस प्रोविजन में एग्जैक्टली लिखा क्या गया है। So, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। 2010 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम है गुजारिश। अब उस मूवी में उन्होंने एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था जिसका नाम है इथेन्स मास्करेनियस। अब इथेन्स मास्करेनियस एक मैजिशियन होते हैं और वो बहुत सारे एक्ट्स एंड परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो उनके एक एक्ट के दौरान उनको स्पाइनल इंजरी हो जाती है। अब डॉक्टर इन्हें कहते हैं कि उन्हें क्वाड्रीप्लेजिया हो गया। अब क्वाड्रीप्लेजिया में बेसिकली एक इंसान जो है पैरालिसिस की स्टेट में चला जाता है जहां पे अब वो कभी भी क्योर नहीं हो सकते। अब ऋतिक रोशन बिकॉज उनका सारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो वो व्हीलचेयर में कुछ 14-15 ईयर्स अपने गुजारते हैं। अब वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ गुजार तो रहते हैं, बट एक दिन वो ये डिसाइड करते हैं कि अब उनको अपनी लाइफ को एंड करना है और बहुत ही पीसफुली एंड करना है। यानी वो वेट नहीं करना चाहते कि कब उनकी डेथ नेचुरली होगी, बट वो खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब उनको मरना है। तो उसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए वो कोर्ट में ये प्ली रखते हैं कि ही वॉन्ट्स टू डाई थ्रू यूथनेशिया। अब यूथनेशिया क्या है और उसके कितने टाइप्स है और क्या यूथनेशिया हमारे कंट्री में लीगल है कि नहीं और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके लॉस क्या है, ये सारी हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली यूथनेशिया एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे एक पेशेंट जो काफी टाइम से एक इनक्योरेबल डिजीज के थ्रू गुजर रहा होता है और वो काफी पेन और सफरिंग में होता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी डेथ को डिसाइड कर सके, यानी उसको कब मरना है। सो ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो यूथनेशिया के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में होता यह है कि जब एक इंसान कोमा या फिर एक ऐसे स्टेट में होता है जहां पे उसको पता है कि ही कांट गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट, वहां पे द डॉक्टर बेसिकली इंजेक्ट्स द पेशेंट विद सम टॉक्सिन एंड केमिकल, जहां पे वो इंसान थोड़ी ही देर में मर जाता है। सो बेसिकली एक्टिव यूथनेशिया को कई कई जगह पे एग्रेसिव यूथनेशिया भी कहा जाता है, यानी इन दिस केस द पर्सन इज किलिंग द पेशेंट बाय इंजेक्टिंग सम टॉक्सिन केमिकल्स। बट कुछ जगह पे इसे असिस्टेड सुसाइड भी कहा जाता है बिकॉज द डॉक्टर इज असिस्टिंग द पेशेंट टू डाई, बेसिकली द डॉक्टर इज हेल्पिंग द पेशेंट टू डाई। अब कुछ कंट्रीज में इसे इलीगल माना जाता है, यूके में इट इज कंप्लीटली इक्वल्स टू किलिंग अ पेशेंट, बट वॉशिंगटन में, नीदरलैंड्स में, स्पेन में, लग्जमबर्ग में इसे इलीगल नहीं माना जाता, वहां सब कंट्रीज में ये प्रोसीजर कैरिड है। हमारे कंट्री में भी इसे इलीगल माना जाता है। एक्टिव यूथनेशिया के बाद आता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में बेसिकली होता यह है कि डॉक्टर जो कि एक पेशेंट को कब से ट्रीट कर रहा होता है और वो पेशेंट जो कि एक वेजिटेटिव स्टेट में होता है, यानी उस पर्सन को पता है कि ही कांट गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट अगेन, वहां पे द डॉक्टर बेसिकली विदड्रॉज ऑल द मेडिकल असिस्टेंस। वहां पे उस पेशेंट का वेंटिलेशन, उस पेशेंट के सारे एंटीबायोटिक्स को हटा दिया जाता है। तो कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो पेशेंट के पास अब कोई भी मेडिकल सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, द पेशेंट डाइज नेचुरली। अब पैसिव यूथनेशिया हमारे कंट्री में लीगल कहा गया है, तो अब इसके रिलेटेड क्या लॉज हैं वो देखते हैं। यूथनेशिया एक बहुत ही सेंसिटिव और डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे एंगल्स एसोसिएटेड हैं, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, और यूथनेशिया हमारे कंट्री में इतनी जल्दी लीगलाइज नहीं हुआ था। ये बात है कुछ 1994 की, जहां पे पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चल रहा था। अब इस केस में सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड को चैलेंज किया जाता है। सेक्शन 309 का ये कहना है कि whoever attempts to commit suicide or does any act towards the commission of such offense should be punished. यानी कोई भी इंसान जो सुसाइड कमिट करता है या उस एक्ट में इन्वॉल्व है किसी और इंसान के साथ, तो उसको पनिश किया जाएगा। तो कोर्ट बेसिकली इस केस में इस सेक्शन को क्रूअल और इरेशनल कहता है कि ये जो सेक्शन है ये बहुत ही क्रूअल है, क्योंकि जब एक इंसान सुसाइड कमिट करता है तो ना ही वो सोसाइटी में किसी को हार्म कर रहा है और ना ही वो किसी के मॉरल वैल्यूज या रिलीजन को हार्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है। बट फिर से 1996 में जब जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस चल रहा होता है, तब इसी स्टेटमेंट को कोर्ट ओवरटर्न करता है, मतलब बदल देता है। वो ये कहता है कि राइट टू डाई अब ऐसा कोई राइट नहीं है, मतलब कोई भी इंसान का अधिकार नहीं कि वो खुद की जान ले सके। तो इसीलिए वो कहते हैं कि राइट टू डाई विद डिग्निटी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब आर्टिकल 21 में राइट टू डाई की कोई जगह नहीं है। बट 2011 में अरुणा शॉर्मा के केस में जो है पूरा डिसीजन बदल दिया जाता है।
अरुणा शानबाग एक नर्स होती है जिनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है. सो बेसिकली 1973 से लेकर 2011 तक वो एक ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में होती है जहां पर उनको बहुत ही पेन और सफरिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है. और कुछ करीबन 40 इयर्स तक वो इस स्टेट में रहती है, तो वो ये डिसाइड करती है कि शी वॉन्ट्स टू एंड हर लाइफ. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उनको जो है ये पैसिव यूथनेशिया गारंटी करता है और कहते हैं कि हाँ भाई, शी कैन गो थ्रू दिस प्रोसीजर एंड शी कैन एंड हर लाइफ पीसफुली. बट अभी भी कोर्ट ये डायरेक्टली मेंशन नहीं करती कि पैसिव यूथनेशिया क्या हर केस में एप्लीकेबल है कि नहीं और उसकी क्या प्रोविजन है. पर फाइनली 2018 में पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया जाता है, राइट टू रिफ्यूज द मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग द विथड्रॉवल ऑफ लाइफ सेविंग डिवाइसेस. और उसी टाइम पर राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया जाता है राइट टू लाइफ के अंडर में. तो फाइनली इस चीज को लीगलाइज कर दिया जाता है. बट ये इतना इजी प्रोसीजर नहीं होता. पैसिव यूथनेशिया को लीगल तो कर दिया गया है, बट इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं. अब जिस इंसान को ये यूथनेशिया कंडक्ट करवाना है उसे एक रिटन विल लिखना पड़ेगा, उस पेशेंट को एक रिटन विल लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये इवेंट्स कंडक्ट किए जाए. बट अगर वो रिटन विल नहीं लिख सकता तो उसके फैमिली मेंबर में से किसी को कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ेगी. फिर इसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जहां पे कोई 3 डॉक्टर्स बैठेंगे जो एक्सपर्ट होंगे और उनका 20 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा. अब उनके बोर्ड मीटिंग के बाद उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अप्रूवल के बाद उनको परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से. और ये सारे प्रोसीजर होने के बाद फिर जाके जेएमएफसी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जाके उस पेशेंट को मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वेदर ही और शी शुड कंडक्ट पैसिव यूथनेशिया. अब ये इतना कंबरसम प्रोसेस है कि इसको करते करते द पेशेंट कैन गो थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग. तो इसीलिए ये 2018 की बात है, बट अभी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं. अभी ये स्टेटेड है कि अगर पेशेंट डिसाइड कर लेता है कि उसे पैसिव यूथनेशिया करवाना है तो 2 दिन के अंदर अंदर एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा और वो 2 दिन के अंदर अंदर ही अपना रिस्पॉन्स देंगे. वो उससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते. तो विदिन 2 डेज जब उनको परमिशन मिल जाती है तब पैसिव यूथनेशिया कंडक्ट किया जा सकता है. तो वीडियो को ऐसे ही समाप्त करते हैं, बट मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया को लेके, और क्या आपको लगता है कि एक्टिव यूथनेशिया कभी इंडिया में लीगल होगा.